लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अड़े सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद रविवार को बल्लभगढ़ बाजार की सफाई भारी पुलिस बल के साये में की गई। इस मौके पर नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अमरदीप जैन और ACP अमन यादव भी मौजूद रहे। दिखाई दे रहा यह नजारा बल्लभगढ़ मेन बाजार का है, जहां लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते गंदगी के ढेर लगे हुए थे। यहां आपको बता दें कि हड़ताल के चलते पूरे शहर में ऐसा ही कुछ हाल है और वहीं हरियाणा के तमाम शहरों में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर सरकार ने सफाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं और बल्लभगढ़ नगर निगम में भी वैकल्पिक कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। लेकिन पुराने कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए नए कर्मचारियों की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और पुलिस बल के साये में पूरे शहर की सफाई करवाई गई। अभी हमारे स्वयं हड़ताल पे हैं, हमने व्यवस्था की है, हमने 50-60 आदमी थ्रू एजेंसी हायर किए हैं और वो सफाई शुरू कर दी है। ऑफिस में सफाई करते हुए हम पूरा मेन बाजार सफाई करेंगे और काम चालू हो गया, ठीक चल रहा है, तनाव कोई नहीं है। कुछ जिन्होंने के आदमी सुबह आए थे उनको तो अगर समझा दिया है भाई तुम्हें जो करना है करो, डिस्टर्ब नहीं करोगे काम में, वो इस बात को फिलहाल मान गए हैं। हम आशा करते हैं कि ऐसे कोई तनाव नहीं होगा, वो लोग आराम से बैठे हैं, साइड में सुना है पार्क में बैठे हैं और काम ठीक से चल रहा है। आदेश क्या है सरकार का? अगर आदेश ये है कि जैसे भी शहर को साफ करो और काम करो। सर कर्मचारियों का मानना है और उनका सुनने में भी आई है कि कहीं भी अगर जो हायर किए हुए सफाई कर्मचारी सफाई करते नजर आएंगे तो उनके साथ झगड़ा भी हो सकता है। ऐसे ही नहीं, हमने पुलिस ACP साहब रिक्वेस्ट की थी, पुलिस ब्यूरो के साथ चल रही है, उसने हमारी बातचीत भी हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम झगड़ा नहीं करेंगे और ऐसी अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए आज मैं ज्वाइंट कमिश्नर साहब के साथ हम एरिया के अंदर क्या किस तरीके के प्रबंध चल रहे हैं और पुलिस सुरक्षा की ज़रूरत है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम दोनों अभी आए। मार्केट के अंदर जो है जो हायर किए हुए एमसीएफ के द्वारा जो कर्मचारी हैं वो सफाई कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से सफाई चल रही है, इसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस हमारी साथ है अभी तक बिल्कुल पीसफुल तरीके से सफाई कर रही है। कई जगह झगड़े भी हो चुके हैं, मारपिटाई भी हो चुकी है जो सफाई कर्मचारी? नहीं, जो एमसीएफ के जो कर्मचारी हैं परमानेंट उनकी तरफ से हमारे यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं किया जा रहा, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अमन जी अभी तक क्या महसूस किया, पुलिस सुरक्षा की जरूरत है? अभी तक यहाँ पे कार्य बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है, किसी ने कार्य को रोकने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पे हमने पुलिस सुरक्षा प्रोवाइड की। पुलिस के साथ ऊपर बहुत सारे काम है, एक जिम्मेवारी और बढ़ गई है, तो कितना काम प्रभावित होगा पुलिस का? ये भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही पुलिस यहाँ पे है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का महत्वपूर्ण काम है, वही काम।